नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, किसान आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। सरकार किसानों के साथ भले ही अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही हो, मगर उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती भी बढ़ रही है। सरकार में आंदोलन को लेकर चिंता बढ़ तो रही है, मगर उसके रुख में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। एमएसपी के सवाल पर सरकार का रवैया वही है। कहीं से नहीं लगता है कि वो इस मांग को स्वीकार करेगी। हालांकि तीसरे दौर की बातचीत शुरू होने वाली है। उसके और बीजेपी की राज्य सरकारें ताकत का बेजा इस्तेमाल करके आंदोलनकारियों को काबू में करने की तिकड़में कर रही है। इसका क्या असर होगा, ये आने वाले दिनों में हमें दिखलाई पड़ेगा। आज हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चे के प्रमुख चेहरे और राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव है। तो आइए उनसे किसान आंदोलन पर बात करते हैं। उनसे हम एमएसपी के मुद्दे पर भी बात करेंगे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस ऐलान के बारे में भी, जिसमें उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। योगेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूं, एक कि ये आंदोलन जो शक्ल अख्तियार कर रहा है, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं और सरकार इसे किस तरह से ट्रीट कर रही है, इसके साथ उसे किस तरह से देखते हैं? मुकेश जी, एक मायने में लगता है कि पुरानी रील को दोबारा प्ले किया जा रहा है। किसानों का आक्रोश, किसानों का सड़कों पे आना, सरकार का दमन, सड़कों पे कील, कंक्रीट की दीवारें, लाठी, आंसू गैस, इस बार ड्रोन के जरिए आंसू गैस। लेकिन फर्क है, फर्क एक ये रहा है कि इस बार पूरा किसान आंदोलन एक साथ होके नहीं कर रहा था। जब शुरुआत हुई, जैसा आप जानते हैं, किसान आंदोलन के दो हिस्से, संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जिस बड़े जत्थेबंदी ने पिछली बार किया था, वो इस बार दो टुकड़ों में है। एक जो कि उससे, संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हुए जो साथी थे दल्लेवाल जी के उसमें, और पंधेर जी जो पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं रहे थे, उन सब लोगों ने मिलके 13 तारीख के आंदोलन की कॉल दी थी। और जो मूल संयुक्त किसान मोर्चा है, जिसमें राजेवाल जी दोबारा शामिल हो गए हैं, उसी में टिकैत जी का भी संगठन है, उसी में किसान सभा है, उसी में उग्रहा साहब हैं, पंजाब के तमाम बड़े संगठन उसमें हैं, उन्होंने अब तक इस कॉल का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने 16 तारीख को भारत बंद का कॉल दिया था। मांग एक थी, लेकिन रास्ते दो अलग अलग थे। लेकिन कल जब इस आंदोलन पे सरकार की तरफ से दमन हुआ, तमाम तरह की ऐसी कार्यवाही हुई जो कि स्वीकार्य नहीं है, तो आपने देखा होगा कि आज पंजाब के बड़े किसान संगठनों ने कहा है, हम इस आंदोलन के साथ भले ही नहीं है, लेकिन किसान पे इस तरह का दमन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बीकेयू उग्राहा ने और पंजाब के कई और संगठनों ने कल पंजाब में रेल रोको की कॉल दी है, पंजाब में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। और परसों वो दिन है जबकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इन एनी केस पूरे भारत बंद की कॉल दी है। तो दो अलग रास्तों से, लेकिन एक ही उद्देश्य को लेके चले किसान आंदोलन में, अब मुझे एक ज्यादा पहले से एका दिखाई दे रहा है, पहले से ज्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। और अगर ये दोनों धाराएं मिल जाती हैं, अगर दोनों मिलके इस वक्त किसान के सामने, क्योंकि याद रखिए अभी भी सबसे बड़ी ताकत उनके पास है जो अभी तक मैदान में कूदे नहीं है, उन्होंने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया था, तमाम डिफरेंसेस थे, मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता, ये समय किसान आंदोलन के अंदरूनी डिफरेंसेस को व्यक्त करने का नहीं है, लेकिन अभी भी सबसे बड़े जो संगठन हैं वो मैदान में कूदे नहीं है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो उन्हें अब मजबूर कर रहा है इसमें एक पोजिशन लेने के लिए। और अगर वो बड़े संगठन भी इसमें कूदे, तो मैं समझता हूं पिछली बार के किसान आंदोलन से भी कुछ बड़ा हम देख सकते हैं। ये जो दो धाराओं की आपने बात की, इन दो धाराओं के आपस में मिलने, एक साथ आने की कितनी संभावना देख रहे हैं आप? मुकेश जी, इस वक्त मैं संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं हूं, मेरे साथी अभिक शाह हमारे संगठन की तरफ से वहां जाते हैं, तो उचित ना होगा कि मैं उन चीजों पर टिप्पणी करूं जो कि उसके साथ है। लेकिन एक हितैषी के रूप में, एक शुभ चिंतक के रूप में, हम सब देखना चाहते हैं कि किसानों की पूरी ताकत
मिलके उस सवाल पे खड़ी हो, एमएसपी का सवाल, जो कि पिछली बार हासिल नहीं हुआ था। पिछली बार का जो आंदोलन था उससे तीन काले कानून तो वापस हो गए, लेकिन किसान कहता था कि मुझे और मिला क्या, कानून तो खराब कानून थे, मुसीबत थी टल गई, लेकिन मुझे हासिल क्या हुआ। हासिल होना था एमएसपी, किसान आंदोलन ने इस पे पूरा मन बना लिया था, लेकिन कई वजह से आखिरी दिनों के अंदर आप जानते हैं क्या कुछ हुआ था, जिसकी वजह से इस सवाल पे जो आखिरी मोर्चा लड़ा जाना था वो नहीं लड़ा जा सका, मामला टल गया। लेकिन अब जबकि किसान सड़क पे उतरे हैं और सरकार बिल्कुल अपनी पुरानी चीजों पे कायम है, ऐसे में उम्मीद करनी चाहिए, चाहे अलग अलग तरीके से हो, जरूरी नहीं कि एक बैनर के तहत हो, जरूरी नहीं कि एक नेतृत्व के तहत हो। पिछली बार भी आपको जैसा ध्यान होगा, राकेश टिकैत जी आंदोलन शुरू होने के 2 दिन बाद उन लोगों ने ज्वाइन किया था, लेकिन तमाम ताकतें जुड़ती हैं, तो संगठन और संगठन, उसके नारे, उसके झंडे, वो छोटी बात है, किसान बड़ी बात है। और मैं, मुझे विश्वास है कि संयुक्त किसान मोर्चा के मेरे सारे सहयोगी जो हैं वो निगाह रखे हुए हैं। दरअसल एमएसपी के सवाल पे कुछ राष्ट्रव्यापी होना चाहिए, सबसे पहले तो संयुक्त किसान मोर्चा की मांग रही है, मगर कई कारणों से अलग अलग तरह के कार्यक्रम अनाउंस हुए हैं, और एक शुभचिंतक के नाते मैं केवल यही आशा कर सकता हूं कि किसानों की शक्ति जो है वो एक साथ हो, कि बाकी तफसील है, टेक्निकल डिटेल्स है, वो सब होती रहेंगी। बस इससे जुड़ा एक सवाल है कि राजनीतिक और अराजनीतिक की जो बात की जा रही है, ये जो अभी आंदोलन कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हम अराजनीतिक हैं, और हमने टिकैत साहब से भी बात की, वो भी इस बार अराजनीतिक होने का राग अलाप रहे हैं, ये क्या कहता है, क्या कहीं कुछ सरकार के साथ तालमेल की गुंजाइश की रखी जा रही है? अभी मैं इन सब चीजों पर बहुत संवेदनशील चीजें इन पर टिप्पणी ना करूं। देखिए, ये सारा अराजनीतिक वाली बात शुरू कहां हुई, जब हम किसान आंदोलन में थे मैं तो खुल के कहता था इस देश का हर किसान आंदोलन हमेशा राजनीतिक है, होना चाहिए, और चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे कि एक निगाह खेत पे रखो, दूसरी निगाह राजनीति पे रखो, क्योंकि सारा खेल वहीं पर खराब होता है, वहीं गड़बड़ होती है, तो उस लिहाज से राजनीतिक है, लेकिन चुनावी राजनीति में नहीं है। आप जानते हैं कि जब दिल्ली का मोर्चा उठा, उसके बाद कुछ नेताओं ने चुनावी राजनीति में जाने का फैसला किया, जिसको लेके आंदोलन में दो फाड़ हुए, और संयुक्त किसान मोर्चा का जो मुख्य धड़ा था उसकी राय थी कि हमें चुनावी राजनीति में नहीं जाना चाहिए, और वही लोग हैं जिनको आज राजनीतिक बताया जा रहा है। उसके कई महीने बाद पंजाब में जो दल्लेवाल जी के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर है, उसका और कुछ साथियों के आपसी पंजाब में मतभेद की वजह से उनके दो अलग हिस्से हुए, और जो हिस्सा अलग हुआ उसने अपने आप को गैर राजनीतिक कहा, जिसमें कक्का जी भी शामिल हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरे लोग हैं वो कोई चुनावी राजनीति वाले हैं, ये जिन दूसरे लोगों को जिन्हें राजनीतिक बताया जा रहा, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि पंजाब के चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो ये उस तरह से गैर राजनीतिक और राजनीतिक की बात नहीं है, लेकिन जो आपने इशारा किया वो बुनियादी बात वही है। ये जो टिकैत साहब का संगठन है वो भी कहता है कि हम अराजनीतिक है। मैं समझता हूँ जब अराजनीतिक कहते हैं उसका अर्थ ये होता है कि हम चुनावी राजनीति से बाहर हैं, चुनावी राजनीति के हम पहलवान नहीं है, लेकिन एक बुनियादी अर्थ में किसान की नियति तय होगी तो राजनीति में होगी, और अगर किसान राजनीति से मुंह मोड़ लेगा तब तो अपनी नियति, अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस गहरे अर्थ में मैं समझता हूं कि सब लोग राजनीतिक हैं, और आज जो आंदोलन हो रहा है वो भी उस गहरे अर्थ में राजनीतिक है, और जो बातचीत होती है सरकार के साथ उससे हमें पता लग जाएगा। अगर ये संगठन अपनी बात पे कायम रहते हैं, यानी कि स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले के हिसाब से एमएसपी सभी फसलों पे लीगल गारंटी के तौर पे मिले, ये उनकी मांग है, ये किसान आंदोलन की मांग है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की भी मांग है, ये मोर्चा वो मोर्चा सबकी एक ही मांग है, अगर वो उस पे कायम रहते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई समझौता होने की तैयारी नहीं है। अगर वैसा नहीं होता तो सच्चाई हमारे सामने बाद में आ ही जाएगी।
एक सवाल और है कि स्वामीनाथन की बेटी ने कहा है कि किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए और उन्हें पूरा अधिकार है कि वो आंदोलन करें। इसका मतलब है कि सरकार ये सब कर रही है, उनको अपराधियों की तरह ट्रीट कर रही है। इसके बारे इसमें में तो आप शक हो ही नहीं सकता। देखिए, कोई भी किसान हितैषी होगा वो यही बात कहेगा। और एम एस स्वामीनाथन को आप भारत रत्न देते हैं, वो तो अब रहे नहीं, उनकी स्मृति को यदि आप सम्मान करना चाहते हैं तो एम एस स्वामीनाथन की कमेटी ने जो सिफारिश की थी, जिसका डमरू आप खुद ही बजा रहे थे, नरेंद्र मोदी जी 2014 में खुद ही बजाया करते थे कि वो होगा। आपको याद होगा, हरियाणा के एक किसान नेता तो अपने कुर्ता उर्ता उतार के चला करते थे हरियाणा में कि जब तक स्वामीनाथन कमीशन लागू नहीं होगा तब तक मैं कुर्ता नहीं पहनूंगा। वो मंत्री वंत्री भी बन गए, उसके बाद में कुर्ते का पता नहीं क्या हुआ। तो अगर स्वामीनाथन जी को आपको सम्मान देना है तो उसका सबसे सुंदर तरीका ये होता कि आप स्वामीनाथन जी की सिफारिश को मानकर किसान को संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दाम की गारंटी दे देते। वो तो किया नहीं। सरकार कहती है चौधरी चरण सिंह का सम्मान करती है, और आजकल जयंत चौधरी जी को भी मोदी जी में कुछ चौधरी साहब वाली फील आनी शुरू हो गई है। क्या सुंदर ना होता कि अगर अगर यहाँ चौधरी साहब बैठे होते तो आप उम्मीद कर सकते हैं वो क्या कहते, बड़ी कड़ी भाषा में कहते, दे सम्मान वम्मान छोड़ दे, तू मेरे किसान के लिए कुछ कर दे, है ना। वो कहते, असली बात यही है, किसान को आप प्राथमिकता दीजिए, जुमलेबाजी और ये सब ना करें। और बहुत अच्छा हुआ कि स्वामीनाथन जी की पुत्री ने इस बात को रखा कि आप किसान को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो अपराधी की तरह आप ट्रीट कर रहे हो। ये कोई गुंडा है, ये कोई टेररिस्ट है, ये कोई अपराधी है जो ये कर रहा है। फिर वही, जैसे ही किसान को देखते हैं, सरकार का डंडे को एक ही तेवर नजर आते हैं। योगी जी, एमएसपी का मुद्दा सबसे बड़ा है इस आंदोलन में और एसकेएम भी इसी मुद्दे को आगे रखकर, बाकी और भी मांगे हैं उनकी। ये एमएसपी के सवाल पर इस सरकार का रवैया ये है कि ये तो पॉसिबल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये किया नहीं जा सकता है। दो चार चीजें, पहले कुछ इतिहास की बातें कह दूं। जैसा मैंने बताया, 2014 में मोदी जी देश की कोई 180 सभाओं में बोले थे, गिना के बताया करते थे किसान का ये खर्चा ये खर्चा ये खर्चा, इस सब को जोड़ के संपूर्ण खर्चा और उसका 1.5 गुना, उस पे 50% जोड़ के किसान को हम दिलवाएंगे। मोदी जी, अगर हो नहीं सकता था क्यों देश को उल्लू बनाया करते थे। यही नहीं, 2011 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी थी। मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर्स के सब ग्रुप के कन्वीनर थे। चिट्ठी लिखी थी स्पष्ट रूप से कहते हुए कि एमएसपी को लीगल दर्जा दिया जाए। मोदी जी के अपने हस्ताक्षर से ये है। हो नहीं सकता तो आप क्या 10 साल पहले देश को उल्लू बना रहे थे, मूर्ख थे, पता नहीं था, किसी सपने में थे, नशे में थे, क्या बात है। तो इस तरह की बातें तो ना करें। दिक्कत सिर्फ ये है कि एमएसपी किसान को देने का मतलब होगा कि आपको किसान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, किसान के लिए जुमले देना, शेरो शायरी करना, दो भारत रत्न देना, ये मुफ्त के काम है। अगर एमएसपी देनी होगी तो जेब में हाथ डालना पड़ेगा और कुछ चीजों में कटौती करनी पड़ेगी। सही बात है, कुछ देने के लिए कुछ काटना तो पड़ेगा। वो ना देना पड़े उसके अलग अलग अनुमान है, 50,000 करोड़ से लेके 2 लाख करोड़ के बीच में अलग अलग तरह के अनुमान है, उस पर हम चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो 50,000 करोड़ ना देना पड़े, 2 लाख करोड़ ना देना पड़े, इसके लिए अब सरकार ने पूरे अर्थशास्त्रियों की फौज लगा दी है और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा की फौज चल रही है। आपके पास शायद नहीं आया होगा, आप प्रोफेसर आदमी हैं, लेकिन इस देश के हर पत्रकार के पास आज सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज आया है। सरकार का नया तरीका है, सरकार अपना अपनी पोजीशन कहती है बिना नाम के, और पत्रकारों को इशारा किया जाता है कि अब आप इसको चलाओ ना, सूत्रों से मालूम हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, या पत्रकार, आधे पत्रकार तो इस देश के ऐसे हैं कि वो अपने नाम से चला देते हैं उस बात को। तो आज सुबह सरकार की तरफ से चलाया गया है कि बाप रे, अगर एमएसपी दे दी तो 10 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। जब किसान मिलने गए थे तब कहा जाता था 16 लाख करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। मैं उनसे कहता था कि अकल के दुश्मन हो, थोड़ा सा तो शर्म किया करो, थोड़ा तो सच बोला करो। ये कक्षा 8 का गणित है जो कि करना चाहिए। कक्षा 8 के गणित में आपको बताया जाता है कि
कि आपकी लागत, आपकी आमदनी माइनस लागत बराबर आपका आपकी इनकम होती है। आपका खर्चा वो हुआ जो आपने किसी चीज में, आपका घाटा कितना हुआ जो आपने किसी चीज में खर्च किया, माइनस जो आपको सेम आमदनी हुई, उतना आपका घाटा हुआ ना। तो अगर मान लीजिए बाजार में गेहूं का दाम 1900 रुपया है, लेकिन सरकार की एमएसपी 2200 रुपए की है, सरकार उसको 2200 पे खरीद लेती है 1900 की बजाय, तो सरकार का खर्चा कितना हुआ? सरकार का खर्चा 2200 नहीं हुआ, सरकार का खर्चा हुआ 300 रुपया, क्योंकि वो 2200 में जो खरीदेगी सरकार, बाद में उसको 1900 में बाजार में बेच देगी सरकार। हो सकता है उसे 2200 के बजाय कभी कभार 2300 2400 भी मिल जाए, कभी हो सकता है 1900 के बजाय 1800 में भी बेचनी पड़ जाए। फसल को आग तो नहीं लगाएगी ना सरकार, अगर आग लगा देगी तब 2200 रुपया खर्च हो जाएगा, अगर उसको बेचेगी तो 300 रुपया खर्च होगा ना। तो ये जो 16 लाख करोड़ रुपया 10 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा वो है अगर सरकार इस देश में सारी गेहूं, सारी धान, सारा तिलहन, सारा दाल खरीद ले, खरीद के गोदाम में रख ले और उस गोदाम को आग लगा दे, तब इतना रुपया खर्च हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक खर्चा है वो तो केवल डिफरेंस है ना, बिल्कुल इतनी मोटी बात जो कक्षा 8 के गणित में भी आपको सिखा दी जाती है, वो झूठ ये पूरे देश में चला रहे हैं। और देश को मतलब आइडिया क्या है, डरा दो बस, ये 10 लाख करोड़ रुपया इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी भ्रांति जो चलाई जा रही है वो ये कि भाई एमएसपी की गारंटी देने के लिए तो किसानों की सारी फसलें खरीदनी पड़ जाएंगी हमारे को। किसान बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप खरीदो, लेकिन ये प्रचार किया जा रहा है कि भाई बताओ दुनिया में कहां से, हमारे पास कहां से गोदाम आएंगे, सारी दाल, सारी तिलहन, सारा फसल, सारी फसल हम कैसे खरीद सकते हैं। किसान आंदोलन कोई मूर्ख नहीं है, किसानों के पास भी अर्थशास्त्री है, और वो साधारण सी बात कहते हैं कि अगर किसान को एमएसपी की गारंटी देनी है तो कैसे देनी है, ये मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूं। नंबर एक, आप आज जितनी फसलों की खरीद करते हो उससे थोड़ी सी ज्यादा करो। कहां? मोटा अनाज, दाल और तिलहन, और इनको खरीद के राशन की दुकान में दो, क्योंकि इन तीनों की जरूरत है। जनता को तेल की जरूरत है, दाल की जरूरत है, सरकार की अपनी कमेटी कह रही है कि दाल की खरीद ज्यादा करो। तो नंबर एक, जितनी आप खरीद आज करते हो सरकारी खरीद उससे थोड़ी सी ज्यादा करो, हम नहीं कहते 100% करो, हो नहीं सकता 100%। नंबर दो, आप मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एक सरकार की होती है जिसमें, और सरकार ये इसमें अपने कॉटन के केस में सरकार करती है कि कॉटन का मान लीजिए दाम 5500 है मार्केट में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का आदमी वहां खड़ा होता है, जैसे ही बोली 5500 से नीचे पे लगनी शुरू हो जाती है, मार्केट गिरता है, वो सामने आता है, कहता है 5500 में मैं खरीदने को तैयार हूं, वो खरीदता है, 5% खरीदता है, इतने में दाम फिर बढ़ जाता है, फिर वो पीछे हट जाता है। सरकार सिर्फ 5 से 10% की खरीद अगर कर लेती है, दाम गिर नहीं सकते, उतना ही खर्चा करने की। और इसकी सरकार की स्कीम है MIS, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जो बात ये बताते नहीं है वो ये कि मोदी सरकार ने उस स्कीम को पिछले साल बंद कर दिया, जिस स्कीम में चाहिए थे 40,000 करोड़ रुपया, जिसमें खर्च करती थी सरकार 4,000 करोड़ रुपया, उस स्कीम को 1 लाख रुपए दिया, पूरे देश के लिए 1 लाख रुपए का उसके लिए बजट था, मतलब स्कीम बंद कर दी। सरकार का तरीका होता है स्कीम को बंद करने का। तो दूसरा तरीका है MIS, मार्केट इंटरवेंशन कीजिए, दाम को बढ़ाइए, दाम को गिरने मत दीजिए। तीसरा तरीका है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। जब इस देश में किसान को 4 पैसा मिलना की संभावना बनती है विदेश भेज के, सरकार कहती है एक्सपोर्ट बैन कर रहे हैं हम, जब इस देश में लगता है कि किसी चीज का दाम बढ़ सकता है तो इंपोर्ट करना शुरू कर देती है सरकार। तो जिसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी से ये सरकार सुनिश्चित करती है कि फसलों के भाव नीचे रहें। ये करना बंद कर दीजिए ना, किसान को दाम देने दीजिए। मतलब अजीब ये देश है, जब प्याज 80 रुपए में हो जाती है, कैबिनेट मीटिंग हो जाती है, और वही प्याज जब 1 रुपए किलो बेचता है किसान, कैबिनेट छोड़िए कोई मंत्री जी उठ के देखते भी नहीं है क्या हो रहा है उस किसान को।
आज किन्नू के किसान के साथ क्या हो रहा है? आप पंजाब में बैठे हैं, वो किसान 6 रुपया नहीं मिल रहा उसको अपने किन्नू का, जो कि दिल्ली के अंदर 70-80 रुपए में बिक रहा है। क्यों इस पे कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई? कुछ क्यों नहीं? ये तर्क जो आपने अभी दिया है, जी जी आप बताइए आखिरी बात। महंगाई बढ़ेगी अगर महंगा अनाज खरीदेगी सरकार, महंगाई बढ़ेगी और किसानों को तो हो सकता है मिल जाए पैसे, लेकिन बाकी जनता त्रस्त हो जाएगी। अब मैं इस पे एक मिनट के लिए आता हूं, मैं आपको अभी चौथा बात और बता दूं, क्योंकि चार तरीके से ले सकता है। चौथा ये है, सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद, अगर ये एमआईए स्कीम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी सब के बावजूद यदि दाम एमएसपी से नीचे रहते हैं तो सरकार भरपाई कर देना, सरकार को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इसे भावांतर स्कीम बोलते हैं, पहले मध्य प्रदेश में खराब चली थी, फिर हरियाणा में अच्छे तरीके से इसको चलाया गया। सरकार ने कहा कि 2200 रुपए बाजरे का दाम है, मार्केट में 1600 का बिक रहा है, हम तुमसे ना रसीद मांगेंगे, ना खरीदेंगे, ना अपने पास रखेंगे, 600 रुपए का जो भरपाई है ये हम तुम्हारे अकाउंट के अंदर भेज देंगे, सीधा कर दो। ये चार तरीकों से किया जा सकता है। अब कहते हैं कि इससे दाम बढ़ जाएगा। पहली बात तो याद रखिए, जो गेहूं सरकार इस वक्त 21.25 रुपए में खरीद रही, वो गेहूं आप और मैं उस गेहूं का आटा 40 रुपए 45 रुपए 60 रुपए तक में खरीदते हैं, तो बीच वाला जो है वो उसका कम से कम बीच वाला उसमें 28 रुपए कमा रहा है। आप किसान का 21 की बजाय अगर 25 कर दोगे, आप उसका 28 की बजाय 3 रुपए कम नहीं कर सकते? जो बिचौलिया खा रहा है उसको कम कीजिए ना, किसान को क्यों मार रहे हो बीच के अंदर आप? यही बात बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी होती है, कहते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर लैंड एक्विजिशन बढ़ जाए। अरे भाई, प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 1% लैंड एक्विजिशन होती है, वो 1 का 1.5 हो गया तो तुम्हारा प्रोजेक्ट इससे खत्म नहीं होने वाला है। यही बात इस पे भी लागू होती है। और दूसरा ये कि सरकार गरीब इंसान को गेहूं सस्ता दे, ये बिल्कुल सही है, सरकार का धर्म बनता है, पर आपके और मेरे घर में गेहूं सस्ता आए, ये क्यों आए भाई? ये जो तरीका है, अगर हम कोई मंदिर बनाना चाहें, हम कहें कि भाई मुफ्त में हम उसकी ईंट लेके दे देंगे, सरकार कह सकती है कि अस्पताल और स्कूल बनाने के लिए हम ईंट मुफ्त में सप्लाई कर देंगे, यानी कि हम उसको दे देंगे। सरकार ये तो नहीं कहती ना कि सारे देश के ईंट भट्ठे जो हैं अपनी ईंटें मुफ्त में देना शुरू कर दीजिए क्योंकि मंदिर और स्कूल के लिए हमें जरूरत है। ये तो बेवकूफ़ी की बात हुई ना। आप गरीब को देना चाहते हैं, किसान को पूरा दाम दीजिए, उसके बाद सरकार अपनी सब्सिडी देना। सरकार किसान को 21 रुपए की बजाय अगर 25 रुपए दे सकती है, 25 रुपए दीजिए किसान, और आप गरीब को 3 रुपए में देते हैं, आप 2 रुपए में दीजिए, 1 रुपए में दीजिए, जैसे मर्जी दीजिए, मगर गरीब व्यक्ति को सस्ता अनाज मिले, इसका जुम्मा आप गरीब किसान के कंधे पे क्यों डाल रहे हैं? ये 60 साल से इस देश में ये खेल चल रहा है कि एक गरीब के नाम पे दूसरे गरीब को सताया जा रहा है। सरकार पूरे दाम में खरीदे, और उसके आप स्टील इंडस्ट्री में करते हो ना, स्टील इंडस्ट्री को दाम दे के फिर सरकार सब्सिडी में जो देना चाहे दे सकती है, कोल इंडस्ट्री में सरकार ये करती है, तो ये आप किसान के साथ क्यों नहीं करते भाई? उसको पूरा दाम दीजिए, उसके बाद आप जिसको सस्ता देना चाहते हो, मुफ्त देना चाहते हो, दो ना, कौन रोक रहा है आपको उसको? इसका आप इसके कंधे पे क्यों डाल रहे हो? असली बात ये है कि इस देश की सारी नीतियां किसान विरोधी हैं, किसान का दुख सुख इस देश की नीति के केंद्र में नहीं है, इस वजह से सारी बातें हो रही हैं। मेरा सवाल ये है योगेन जी कि आपने जो आंकड़े बताए, जो तरीके बताए, वो सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहे? क्या ये एक बदनीयत का सवाल है, नीयत नहीं है सरकार की? अगर नीयत खराब है तो क्यों है? क्या उसकी नीति कारपोरेट परस्त है? क्या वो अडानी को सपोर्ट करना चाहती है, उनका जो विस्तार हो रहा है उसके लिए रास्ते खोलना चाह रही है? वो 3 कानून जो लाए गए थे उनका भी यही मकसद बताया जा रहा था, वजह क्या है? ये छोटी सी सीधी सी बात सरकार कर सकती है और इससे उसको सरकार किसानों का समर्थन भी मिल सकता है। दो बड़ी बातें हैं। पहला ये, आपने बिल्कुल सही कहा, मामला नियत का है और नियत का सवाल राजनीति से जुड़ा है। पहली बात ये कि किसान को देने के लिए आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया तो खर्च करना पड़ेगा। 10 लाख करोड़ वाली बात तो है झूठी, वो तो सिर्फ जो लोगों को डराने के लिए है। आपको 1 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया, अगर आप जो मैंने इसका अनुमान लगाया था, अगर आज की जो एमएसपी है
उसके बराबर देना है, तो आपको मैंने 2 साल पहले अनुमान लगाया था कि 47,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, अब बढ़ के शायद 60,000 करोड़ रुपया हो गया हो। लेकिन अगर स्वामीनाथन के हिसाब से देनी है और अगर मार्केट रेट वही रहा जो आज है, तो 2,00,000 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि जैसे मैंने कहा, मार्केट रेट को इम्प्रूव करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो पहला सवाल है कि जेब से पैसा खर्च होगा। अब जेब से पैसा खर्च करना अपने मित्रों के लिए तो बहुत आसान है, वो तो हो जाता है। इस देश में 2 स्कीम चल रही हैं। कॉरपोरेट को टैक्स में छूट दी गई, प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए की टैक्स में छूट उनको दी जा रही है पिछले 4 साल से। निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स रेट कम किए, ये कहते हुए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट ना आने का कारण है कि हमारे रेट बहुत ज़्यादा है, मैं रेट कम कर दूंगी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएंगे। रेट कम हो गए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं है। अभी भी वो अपने बजट में मान रही है कि इन्वेस्टमेंट वहीं का वहीं है। दूसरा, इसे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम स्कीम बोला जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट PLI। तो एक तो टैक्स रेट कम हुए हैं, एक दूसरी स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव की। सरकार इंडस्ट्री को इंसेंटिव देती है कि आप अपना बढ़ाइए, प्रोडक्शन बढ़ाइए, हम आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 साल से ये भी दिया जा रहा है। तो 3 लाख करोड़ रुपया कॉरपोरेट सेक्टर की जेब में डाला जा रहा है। अभी मैं 14 लाख करोड़ रुपया जो उनका कर्जा माफ हो गया उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। वो देते हुए आपको तकलीफ नहीं होती, वो देते हुए कोई उछल के नहीं कहता हाय हाय क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, देश का क्या होगा, क्योंकि देश अर्थव्यवस्था तो यही है ना। किसान अर्थव्यवस्था से बाहर है, किसान का जो कुछ होता है तो हाय हाय देश का क्या होगा, अरे अर्थव्यवस्था डूब जाएगी, अरे बजट। तो पहला तो बिल्कुल नियत का सवाल है। दूसरा सवाल गहरा है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो ये कि इस देश में खेती को कंपनियों के हाथ में सौंपने की साजिश काफी वक्त से चल रही है। ये सब अर्थशास्त्री हैं, विदेश में घूम के आते हैं और आके यहाँ ज्ञान बांटते हैं, कहते हैं कि देखो वहां पे विदेशों में, अमेरिका में, यूरोप में किसान तो खेती करता नहीं, किसान तो कर्मचारी होता है, खेती तो कंपनियां करती हैं। तो भारत भी उसी दिशा में बढ़े। अब इनसे कोई पूछे कि भाई जब अमेरिका और यूरोप में लोगों ने खेती छोड़ी, तब फैक्ट्रियां बन रही थी, तब औद्योगिकरण हो रहा था, तब वहां रोजगार का सृजन हो रहा था, वो खेतों से डर के नहीं भागे थे, वो उद्योगों की तरफ भागे थे, वैसा तो आज कुछ हो नहीं रहा। इन लोगों को आप गांव से, क्योंकि इस देश में एक अनकही गांव से भगाओ योजना चल रही है कि गांव खेती से लोगों को बाहर निकालो ताकि सस्ता मजदूर वहां आपको मिले, और जो कृषि में मलाई है, जिस जिस में है, जिन चीजों में नहीं है उसको प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं छुएगा, लेकिन जहां मलाई है उसके लिए अडानी जी ने अपने बड़े बड़े साइलोस तैयार कर रखे हैं, अंबानी भी अब फल सब्जी के अंदर आ गए हैं, इन सब का कॉरपोरेटाइजेशन हो। और कॉरपोरेटाइजेशन तब तक नहीं हो पाएगा जब तक किसान को टिकने का कोई आधार रहेगा, और MSP अगर किसान को मिलती है तो उसे गांव में टिकने का एक आधार मिल जाता है। टिकने का आधार ना मिल पाए तभी ये गांव से भगाओ योजना सफल हो पाएगी, ये गहरा कारण है। पश्चिमी देशों में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, अगर वो तर्क दिया जाता है तो दुनिया भर में किसान आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन एक और तर्क मैं आपकी तर्कावली में जोड़ना चाहता हूं कि ये 2 लाख करोड़ अगर जाएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, किसान मजबूत होगा, वो किसान 2 लाख करोड़ अपनी तिजोरी में रख के बंद नहीं कर लेगा, वो खर्च करेगा, वो वापस लौटेगा अर्थव्यवस्था। इसको इकोनॉमिक्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, कि वो कहते हैं कि कुछ पैसा होता है जो बड़ी धीमी गति से चलता है और कुछ पैसा है जो बहुत तेजी से चलता है। अर्थव्यवस्था में तेजी से चलने वाले पैसे में अगर डाला जाए तो उससे अर्थव्यवस्था की गति तेजी होती है। और ये बिल्कुल सर्वविदित तथ्य है कि जो पैसा शहरों में ऊपरी तबके के पास जाएगा वो उनकी जेब में टिका रहेगा, उनके बैंक में जाएगा, पड़ा रहेगा, वो उसको किसी चीज में लगा के छोड़ देंगे। और अगर किसान को दिया जाएगा, गरीब मजदूर को दिया जाएगा, अगले दिन वो धोती खरीदेगा, शर्ट खरीदेगा, ज्यादा पैसा कहीं अच्छी फसल हो गई तो बच्चे को स्कूटर मोपेड खरीद के दे देगा, साइकिल दे देगा, वो पैसा चलता रहेगा। और जितना पैसा तेजी से चलेगा उतना ही देश का विकास, मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा होगा, देश की आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ेगी। और इसके साथ देश में ये जो
ये जो शहरों पे बोझ है, इतने लोग जो पलायन कर करके आ रहे हैं, अमानवीय स्थिति में शहरों पे रह रहे हैं, इसको रोकना तो हमारे देश का उद्देश्य होना चाहिए। गांव में लोगों को रोको, बसाओ, गांव में उन्हें खुशी दो, ये तो इस देश का उद्देश्य होना चाहिए। जी योगेंद्र जी, अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ, अगले मुद्दे पर आता हूँ। राहुल गांधी ने जो ऐलान किया है MSP की गारंटी देने का, अगर इंडिया सत्ता में आता हो आए तो, इसे किस तरह से देखा जाए? उसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं आज लोगों को, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये घोषणा तो कर सकते हैं, इन्हें तो कुछ करना नहीं है, लेकिन क्या ये घोषणा किसान आंदोलन को मजबूती देगी, उनको एक तरह का हौसला देगी, और क्या ये सरकार पर दबाव पैदा करेगी कि अगर एक मुख्य विपक्षी दल, बड़ा विपक्षी दल जिसके पास अभी भी 12 करोड़ वोट तो है ही, वो अगर इस के साथ कूद गया है तो दबाव बनता है? मुकेश जी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी घोषणा है, राहुल गांधी ने कहा है ऐतिहासिक। आमतौर पे पार्टियां हर चीज को ऐतिहासिक बता देती हैं, लेकिन कम से कम ये सचमुच ऐतिहासिक घोषणा है, इसलिए कि याद रखिए कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग बनाया था, उसकी सिफारिश आ गई थी 2007 में, और इस सिफारिश को जो किसान चाहते थे उसे कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया था। इसके चलते किसान बहुत नाराज थे और उस नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को 2014 में झेलना पड़ा, जब नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस ने अपना आयोग लागू नहीं किया, मैं लागू करके दिखाऊंगा, तो कांग्रेस को उसका सामना। उसके बावजूद भी 2019 में भी कांग्रेस ने यह घोषणा नहीं की थी, कांग्रेस MSP के सवाल पे ये पोजीशन नहीं दी थी। पहली बार इस देश के किसी एक बड़े राष्ट्रीय दल ने किसानों की MSP पे तीनों बातें मान ली है। पहला, सभी किसानों को, मतलब केवल 22 फसलों के किसान को नहीं, बाकी सबको भी। नंबर दो, MSP की गिनती जो है आज के फॉर्मूले से नहीं होगी, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार जो किसान चाहते हैं। और तीसरा, ये कोई सरकारी योजना नहीं होगी, वादा नहीं होगा, इसकी कानूनी गारंटी दी जाएगी। किसान ये तीन शब्द सुनना चाहता है, MSP, स्वामीनाथन, कानूनी गारंटी। कांग्रेस ने तीनों बातें कही हैं। इसका गहरा असर मैं राजनीति पे देखता हूं, दो तीन अर्थ में। पहला तो ये कि मेरे ख्याल में अब ये जल्द ही इंडिया ब्लॉक की भी मांग बन सकती है, केवल कांग्रेस की नहीं, पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो इसको एडॉप्ट करे, इस मांग को, तो बहुत श्रेयस्कर होगा और इस चुनाव को में एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। मैं अभी इसको टर्निंग पॉइंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ हुई है। इस पे निर्भर करता है कि इसे किसान संगठनों में कितना लेके जा सकते हैं, इससे BJP पे भी दबाव पड़ेगा और सरकार जो अभी किसानों से बात कर रही है, जब सरकार के मंत्रियों को पता लग गया कि भाई ये तो कांग्रेस ने घोषित कर दिया है, अब उन पर एक अलग तरह का दबाव होगा। और इसे किसी पार्टी से ज्यादा मैं किसान आंदोलन की जीत समझता हूँ, कि किसान आंदोलन की इस मांग पे सब पार्टियां, अर्थशास्त्री हंसा करते थे, अरे बेकार की बात है, ऐसा थोड़ी होता है, वैसे ही बोल दिया, लफाजी में बोल दिया। लेकिन अब, और कांग्रेस आमतौर पे अगंभीर घोषणाएं नहीं करती है, इनके मैनिफेस्टो वगैरह में आप देखें तो मुझे विश्वास है कि इस घोषणा से पहले कई स्प्रेडशीट एक्सेल शीट में करके गणित वणित किया गया होगा कि ये किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कैसे किया जा सकता है। तो ये जो गंभीर घोषणा है, इसका सरकार पे असर पड़ेगा, मेरे विचार से इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन पर असर पड़ेगा, और अगर इसको ठीक से आगे लेके बढ़े तो इसका 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा। एक मायने में जो मोदी मोदी का चुनाव था, और मेरे जैसे लोग बार बार कहते थे कि मुद्दा मुद्दा का चुनाव करो ना, कम से कम उस चुनाव में अब एक बड़ा मुद्दा तो खड़ा हो गया है। एक पार्टी कह रही है हम ये करेंगे, रूलिंग पार्टी कहती है नहीं करेंगे, अब किसान को चुनना है कि उसको ये चाहिए या नहीं। लेकिन योगेंद्र जी, हो ये रहा है कि मुद्दा तो आ जाता है, गुम भी उतनी जल्दी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से किसी मुद्दे को लोगों तक, जनता तक ले जाना चाहिए, उसका संगठन उस तरह से काम नहीं करता। या आपने इंडिया गठबंधन की बात की, इंडिया गठबंधन के किसी दूसरे घटक ने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है, सब चुपचाप सुन रहे हैं। अगर चारों तरफ से आवाज उठती तब तो नीचे तक जाएगी, मीडिया आपके पास है नहीं,
बल्कि मीडिया तो उल्टा प्रचार कर रहा है। तो अगर आपका संगठन, आपकी पार्टी के लीडर, दूसरे विपक्षी दलों को भी आप साथ में लेकर अगर कुछ करते तो शायद इसका इफेक्ट ज्यादा होता। आप ठीक कह रहे हैं मुकेश जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की तारीख में केवल घोषणा कर देने से वो चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, आपको उसे अंतिम व्यक्ति तक ले जाना है, आपको किसान तक ले जाना है, किसान संगठनों नेताओं तक नहीं, वो अंतिम किसान जो गांव में बैठा हुआ है उस तक उसे लेके जाना है। उसके लिए जो मुद्दा नहीं होता उसको मुद्दा बनाने की कला बीजेपी को तो आती है। अब आज टीवी के ऊपर क्या चल रहा है कि एक इस्लामी देश में एक हिंदू मंदिर बन गया, अब ये मुद्दा इस देश का है मतलब। और मजे की बात यह कि इसमें भी गर्व है कि ब्रिटेन में कोई हिंदू प्रधानमंत्री बन गया, बधाई हो। हमारे देश में हम अल्पसंख्यकों की ऐसी तैसी करेंगे, बधाई हो। सब कुछ चलता है मतलब भी। तो बीजेपी को तो मुद्दा बनाने की कला तो आती है। अब सवाल ये है कि विपक्ष को मुद्दा बनाने की कला सीखनी होगी। और मैं समझता हूँ जो किसान इस वक्त सड़क पे हैं, जिनकी चर्चा हमने शुरू में की थी, उन किसानों ने वहाँ पे वो एक रास्ता दिखाते हैं, मुद्दा बनाना है। और उस लिहाज से ये जो घोषणा है राहुल गांधी की, उसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। कम से कम एक बात है यहाँ पे, इसकी टाइमिंग परफेक्ट हुई है कि किसान इस वक्त MSP के सवाल को लेके सड़क पे हैं, इस वक्त कांग्रेस ये घोषणा कर रही है, चुनाव आने वाला है, तो मुद्दा बनाने की संभावना है। लेकिन खाली संभावना से तो राजनीति नहीं होती ना, संभावना को रियल बनाना होता है। उसमें विपक्ष की तरफ से बहुत कमजोरी रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार इसमें कुछ बेहतर तरीके से रिएक्ट किया जाए। आपने कहा कि राहुल की घोषणा या कांग्रेस की घोषणा किसानों की जीत है, किसान आंदोलन की जीत है। इस घोषणा का किसान आंदोलन पर क्या असर पड़ेगा जो अभी चल रहा है, और SKM जो अपना भारत बंद के साथ है उसको गति देने वाला है। मैं समझता हूँ किसान आंदोलन के हाथ मजबूत होते हैं, क्योंकि जब कोई एक बड़ी पार्टी आपकी बात के साथ खड़ी हो जाती है, और आमतौर पे ऑपोजिशन ही खड़ा होता है, आंदोलन के साथ कौन खड़ा होता है, रूलिंग पार्टी थोड़ी खड़ी होती है, ऑपोजिशन ही खड़ा होता है। जब ऑपोजिशन आपके साथ कोई बड़ी पार्टी खड़ी हो जाती है, तो किसान आंदोलन के जो किसान नेता जो सरकार के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, उनके एक मजबूती आती है, वो अपनी बात पे अड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। तो इससे निश्चित ही अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, और 16 तारीख को जो भारत बंद की कॉल दी गई है, इस सब में गहराई आएगी, मजबूती आएगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं। सरकार पर कितना दबाव बनेगा इस घोषणा से? दबाव तो है, इसीलिए सरकार पहले, आज सुबह वो जो मैं बता रहा था ना, फर्रा जो घुमा रही है सरकार, इसीलिए कि दबाव है। अनेक अर्थशास्त्रियों के आर्टिकल भी आने शुरू हो गए, आज शाम को आप और मैं तो ये चर्चा कर रहे हैं, चैनलों पे क्या चर्चा चल रही होगी, हाय हाय देश का सत्यानाश हो जाएगा, किसान खा जाएंगे। तो सरकार को फिलहाल तो लगता है कि मीडिया मैनेज करने से काम चल जाएगा, और सरकार मीडिया पे काफी चीजें मैनेज कर भी चुकी है। लेकिन अगर किसान सड़क पे अड़े रहे, जैसे पिछली बार हुआ था कि मैनेजमेंट से काम नहीं चला, मीडिया मैनेजमेंट से काम नहीं चला, अगर किसानों ने वही दमखम दिखाया पिछली बार वाला, तब असली दबाव शुरू होगा। अभी पहले दो दिन में तो सिर्फ शतरंज की बाजी अभी सेट हो रही है। देखिए कितना मादा दिखाते हैं किसान और किसान संगठन। किसानों के मादे में मुझे कोई शक नहीं है, किसान संगठन कितना मादा दिखाते हैं उसकी परीक्षा है। अगर वो वही मादा दिखाते हैं पिछली बार जैसा, तो बहुत दबाव पड़ेगा चुनाव से पहले। ये तो मोदी जी नहीं चाहते कि कोई मुद्दा उनसे बड़ा बन जाए। अंतिम प्रश्न है मेरा कि क्या आपको लगता है कि उन नेताओं और दलों पर भी दबाव बढ़ गया होगा जो तुरंत राजनीतिक लाभ के लिए पाला बदल के गए, जैसे जयंत चौधरी का मसला है, इस तरह के का मुद्दा उठ जाना, किसान आंदोलन शुरू हो जाना, और आप उसकी राजनीति के विरोध में जाकर खड़े हो गए? देखिए वैसे मैं जयंत जी के बारे में व्यक्तिगत रूप से काफी अच्छी राय रखता हूँ, और इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हुई जब उन्होंने जो निर्णय लिया वो लिया। और एक बार तो आज वो पलट के कोई उनसे पूछे कि बताइए MSP के सवाल पे आप कहाँ खड़े हैं, और अगर आज चौधरी चरण सिंह होते वो कहाँ खड़े होते। तो ये एक सवाल है, आत्मा को कचोटने वाला सवाल है। अब कहाँ कितनी आत्मा बची है उस पर निर्भर करता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए, आपका धन्यवाद। नमस्कार।